अभी ये मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो और ऊपर में एक कमेंट फ्लैश कर रहा होगा, सो आपको भी मैं बोलता हूँ नीचे कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। एक तो ये मॉडिफिकेशन रहा और दूसरा मॉडिफिकेशन जो कि मेरे चैनल पर आने वाला है, सो ये आप देख सकते हो, एक झलक मैंने आपको दे दिया। सो गाइस, अभी जो फैन हम पेंट करने वाले हैं, सो इस ब्रश और एक पेंट के हेल्प से रेड कलर का पेंट मैं ले रखा हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एशियन पेंट आप देख सकते हो, एक्चुअली मैं ये इस पेंट को इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसका पकड़ अच्छा रहता है। और इस फैन के अंदर में आप देख सकते हो फैन के चारों ओर मीन्स तीन नट लगे हुए हैं, तो मैं लाइट जला के एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गोल में आप देख सकते हो राउंड सर्कल में तीन नट लगे हुए हैं, उसे खोल लेना है। और बाहर में एक यहाँ पे नट है, कि यहाँ पे नट है और जस्ट दो अंदर की नट है, तो एक नट अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक है, सो यहाँ पे एक नट है और एक नट नीचे में है, तो उसे आपको जस्ट अभी खोल लेना है। यहाँ पे इसके अंदर वाले नट खोलने के लिए एक सॉकेट का आपको ज़रूरत पड़ेगा, पता नहीं आपके लोकल एरिया में इसे क्या कहते हैं, तो इस टाइप का आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा। और इसे खोलने के लिए ये जो आप नट देख रहे हो अंदर में जो लगे पड़े हैं, उसे खोलने के लिए सबसे पहले ये जो रॉड है आपको अंदर की ओर करना है, और जो आपका सॉकेट है मीन्स ये सॉकेट को अंदर की ओर से इसे प्लग कर देना है, क्योंकि बाहर से आप जब भी करोगे तो ये लगेगा नहीं। सो एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इसे खोला और खोला ही नहीं, तो आपने खोला कैसे, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो फैन को मैंने बाहर निकाल लिया है, और आपके घर में डिटर्जेंट वगैरह होगा उसके हेल्प से और ब्रश के हेल्प से इसे साफ़ कर सकते हो। शैम्पू मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि शैम्पू से आप जब भी साफ़ करोगे तो एक लेयर छोड़ देता है, स्लिपली लेयर छोड़ देता है, तो उससे हो सके पेंट स्लिप कर जाए, मीन्स आप पेंट करोगे तो, बट वो बाद में इंजन जब गर्म होगा उस टाइम पर छूट सकता है। तो मैं खास करके आपको रिकमेंड करूँगा कोई घर में डिटर्जेंट वगैरह हो उससे आप क्लीन कर लें, क्योंकि वो अंदर से आपका जो ग्रीस वगैरह होगा या मोबिल इंजन ऑयल वगैरह लगा पड़ा होगा उसे ये अच्छे से क्लीन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर के पेंट के हेल्प से मैंने आधा फैन को पेंट कर दिया है, और जस्ट एक डेमो के लिए मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया है कि किस तरह से आपको पेंट करना है। सो इजली में थोड़ा थोड़ा पेंट लेके आपको अंदर से और बाहर से चारों तरफ से पेंट कर लेना है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ऊपर में आपने पेंट किया और अंदर में छोड़ दिया। पीछे साइड ये नट जो यहाँ देख रहे हो आप, इस जगह पर पेंट ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ऊपर में हर जगह कोने से आपको पेंट करना है, क्योंकि जब ये राउंड राउंड घूमे तो उस टाइम पे वाइट कलर का कहीं पे टेक्सचर ना आए, इस कारण से आपको पूरा अंदर से इसे पेंट कर लेना है पतले ब्रश से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं उसी पेंट ब्रश से अभी भी पेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, जस्ट एक बार आपने पेंट किया तो आप डबल कोट भी चढ़ा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट आप डबल कोट चढ़ाओगे तो उसके लिए आपको दो दिन जाना है, मीन्स एक दिन आप खोलोगे पेंट करोगे उसके बाद ये ड्राई होगा, और दूसरे दिन जैसे ही आप इसे खोलोगे मीन्स दोबारा आपको पेंट करना पड़ेगा इस पर डबल कोट चढ़ाने के लिए। तो गाइज़ आप बार बार तो लगाओगे और निकालोगे तो नहीं फ़ैन को, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि जब भी आप बिना फ़ैन का गाड़ी कहीं बाहर में इमरजेंसी में ले जाते हो तो आपका इंजन सीज होने का चांस बन जाएगा, क्योंकि अंदर एयर जाएगा नहीं और एयर सक इंजन करेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये एक बार करो, इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अभी जो आप टेक्सचर देख रहे हो हल्का हल्का छोटा छोटा टाइप सा, ये खुद से खुद मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट आप डबल बार करते हो आपके पास टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और उससे अच्छा आपका कलर आएगा निखर के, और उस टाइम पर जब आपका व्हील घूमेगा तो ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली पेंट मतलब जब आप इस फ़ैन को पेंट करके आप रखते हो तो उस टाइम पे डस्ट वगैरह चिपकने का चांस ज़्यादा बना रहता है, तो मैं इसे रात को ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। बट आपके पास हेयर ड्रायर होगा तो पहले आप हेयर ड्रायर मार दोगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा पेंट स्टिक हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये नहीं आने वाला कि जब आप पेंट करके रखोगे तो थोड़ा सा धूल गर्दा वगैरह इसमें नहीं चिपकने वाला। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये सिंपली पूरा हो चुका है और इधर आपको पेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट इंजन के अंदर होता है और बाहर का ही आपको पेंट करना है। सो गाइस अभी कुछ आप लुक देख सकते हो। सो सिंपली हमें इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको मैंने बताया था कि इसे कवर को खोलना होता है, तो इंस्टॉल करने के लिए ये तीन नट आप देख रहे हो और यहाँ पर तीन नट सिंपली इसी में इसको टाइट कर देना है। सो टाइट करके मैं अभी आपको जस्ट मिलता हूँ। यहाँ पे जो तीनों आप नट देख रहे हो इसे अलाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस नट को अलाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कर सकता है आपका। मीन्स ये जो तीनों नट देख रहे हो ये अपने अपने जगह पे होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नट कहीं पे बैठा दिए। सो इसे अलाइन करके ही आपको बैठाना है। सो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था, इस कारण से मैंने आपको दे दिया। तो गाइस अभी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ बाहर से बिना इसे कैप को लगाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो गाड़ी चालू है और फैन का कुछ लुक आप देख सकते हो इस तरीके से। इस गाइस आप देख सकते हो पहले वाले के अकॉर्डिंग अभी आपको कैसा ये दिख रहा है और ये कैसा देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। और ऊपर से एक्चुअली हमें कवर लगाना होगा, तो कवर लगाने के बाद उतना तो हमें अभी जितना अभी दिख रहा है उतना तो हमें नहीं दिखेगा, बट स्टिल कुछ पार्ट यहाँ से दिखेंगे ही दिखेंगे, तो वो भी आपको अच्छा लगने वाला। मैं अभी जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ करके। सो गाइस यहाँ पे आप अभी देख सकते हो किस तरह का फ़ैन आपको देखने को मिलता है। और गाइस मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो, डायरेक्ट वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। और इंस्टा रिप्लाई के लिए प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दी चैनल। टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।